हाँ तो भाई, पिछले कुछ समय से यूपी इतना सुर्खियों में था जितनी दिल्ली मेट्रो वाली लड़की और उर्फी जावेद भी नहीं रहते। हर रोज एनकाउंटर, बुलडोजर और कानून व्यवस्था जैसे शब्द यूपी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 के बाद देश का इंडस्ट्रियल हब और ग्रोथ इंजन माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में ये सारी भसड़ शुरू कब से और कैसे हुई, तो शुरू से शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका द दिल्ली डायलॉग्स में। हाँ तो भाई, था कुछ ऐसा कि 1950 के बाद से ही खेती तो बड़े पैमाने पर यूपी में होती ही थी, साथ में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी यूपी में बनने लगे थे। ऐसा भी समय था जब कानपुर को उसकी टेक्सटाइल मिल्स के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था। और एक समय ऐसा भी था जब यूपी महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, और ऐसी भी संभावनाएं थी कि कुछ समय में ये महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर नंबर वन इकोनॉमी भी बन सकता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने यूपी को माफियाओं का स्वर्ग बना दिया और ये पंक्तियां प्रचलन में आ गईं। जहां दरिंदे घूमते हैं इंसानों के वेश में, कुछ दिन तो गुजारिए उत्तर प्रदेश में। तो ये सब शुरू होता है साल 1989 में, जब पूरा देश बड़ी राजनीतिक उथल पुथल में था। राम मंदिर आंदोलन और राजीव गांधी की हत्या ने पूरे देश में राजनीतिक गर्मियां बढ़ाई हुई थी। 1989 के चुनावों में मुलायम सिंह यादव जनता दल की ओर से यूपी के सीएम बने। और मजे की बात ये थी कि 1947 से 1989 तक कोई भी सीएम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था, और मुलायम सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीट वाला राज्य यूपी राजनीतिक रूप से सबसे जरूरी राज्य है। इसलिए यहाँ की राजनीति में सिस्टम हो या ना हो, यहाँ के सिस्टम में राजनीति जरूर है। इस देश के राजनीति में सिस्टम हो ना हो, यहाँ के सिस्टम में राजनीति जरूर चलता है थी। इसी अनस्टेबिलिटी के कारण लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, और फिर अनस्टेबल सरकारें आने से ही पार्टियों ने बाहुबलियों व माफियाओं का साथ लेना शुरू किया। क्योंकि यूपी को जीतने के लिए कंपटीशन ही इतना है कि पार्टियां साम दाम दंड भेद तो लगाती ही हैं। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के राज में कार सेवकों पर हुए गोलीकांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर आंदोलनों ने यूपी में राजनीतिक खेल को और पेचीदा व गर्म कर दिया था। और यही दौर था जब यूपी की राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री होनी शुरू हुई थी। हमारे जन्नतवासी बहत्तर हूर भोगी अतीक अहमद ने भी 1989 में ही उस समय के इलाहाबाद पश्चिम से विधायक का चुनाव जीता, जो कि निर्दलीय के रूप में लड़ा गया था। इसके अलावा और भी बड़े बड़े माफिया जैसे मुख्तार अंसारी, विकास दुबे भी इसी समय लाइमलाइट में आए थे। इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त होता था और ये वसूली, हत्या, अपहरण, ड्रग्स डीलिंग, हवाला, हथियारों की स्मगलिंग जैसे जुर्मों में लिप्त होते थे। 1989 के बाद से 2017 तक इन्होंने यूपी में खूब आतंक मचाया। अब जाहिर सी बात है कि जहां वसूली, रंगदारी, अपहरण जैसी वारदातें होती होंगी, वहां व्यापारी और उद्यमी कहां ठहरेंगे। आलम ये था कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियां भी सीओडी तो छोड़ो, प्रीपेड प्रोडक्ट की भी यूपी के कई इलाकों में सप्लाई नहीं करती थी। सीधी सी बात है, उनको डर था कि कहीं कोई लूट लाट ना ले रास्ते में बेचारे डिलीवरी बॉय को। इन सभी काले कारनामों के कारण यूपी की वो तस्वीर बनी जो पिछले कुछ समय तक हम सभी के दिलो दिमाग में थी। काफी लंबे समय से यूपी में टू पार्टी सिस्टम चल रहा था। टू पार्टी सिस्टम मतलब एक बार बीएसपी और एक बार एसपी सत्ता में आती थी। यूपी की जनता इस टू पार्टी सिस्टम से परेशान हो गई थी, इसलिए उसने इस पुराने ट्रेंड को ध्वस्त किया और 2017 में विधानसभा के चुनावों में प्रचंड जीत हासिल करती है बीजेपी और एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ अब यूपी के सीएम बन गए। उनके सीएम बनते ही जो यूपी पुलिस चीम्स डोजे नजर आती थी, वो गीगा चैट ऐसे बनी जैसे गंगाधर से शक्तिमान। तुम जैसे गुंडों के लिए पुलिस से बड़ा गुंडा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। योगी ने आते ही गुंडे और माफियाओं को सीधे सीधे चेतावनी दी और 2017 से लेकर 2023 तक यूपी पुलिस 10,000 से ऊपर एनकाउंटर कर चुकी थी। बड़े बड़े माफिया जिनका यूपी की राजनीति में नाम था, या तो उनका 72 हूर्स जन्नत स्पेशल होटल में रूम बुक हो चुका था या फिर वे जेल में हैं। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो सीधी सी बात है कि जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो इंडस्ट्रीज खुद ब खुद आती हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, यूपी इन्वेस्टर समिट अमेरिका सहित अलग अलग देशों में हो रहे हैं, जहां बदलते यूपी की तस्वीर दिखाई जा रही है और इन्वेस्टर्स को यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। बीते 6 साल में यूपी का बजट दोगुना हो गया है, साथ ही यूपी की पर कैपिटा इनकम भी बीते 6 सालों में दुगनी हुई है। इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा यूपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के मामले में भी पहले नंबर पर पहुंचने वाला है। यूपी का जेवर एयरपोर्ट तो 2023 तक शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर यूपी में जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
सारे हो जाएंगे जो भारत में किसी भी राज्य में सर्वाधिक हैं। और अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो यूपी को स्टेट ऑफ नेशनल हाईवेज कहा जाता है, क्योंकि यहां राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ ठीक रहेगा तो पर्यटन भी उछाल मारेगा। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत के घरेलू पर्यटन की बात करें तो उसके मामले में भी यूपी 2020 के आंकड़ों के हिसाब से तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर था। और ऐसा अनुमान है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने व अयोध्या के हवाई अड्डे का काम पूरा होने के बाद प्रदेश का पर्यटन और तेजी से बढ़ सकता है। हाँ तो भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कर देना, ताकि आपके सजेशन से हम अपनी वीडियो को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।